नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों आज हम आपको वात रोगों को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों अगर शरीर के किसी भी अंग में अवरोध उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए कि वात बढ़ गया है। दोस्तों अगर हमारी दिल की धड़कनें असामान्य रूप से बढ़ रही हैं और व्यक्ति चाहकर भी शांत नहीं हो रहा है, यानी अशांत जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह वात के बढ़ जाने के कारण होता है। दोस्तों वात रोगों को दूर करने के लिए आप सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को करने के बाद आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपनी पेल्विक एरिया के समीप लाने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेना है और इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर लाना है। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप स्लोली प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को आप नियमित 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों वात रोगियों को जब भी कोई अभ्यास करें वह अभ्यास को बहुत ही स्थिरता से और आरामदायक स्थिति में ही प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे जॉइंट्स को खोलने के लिए और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास हैं। इसे करने से हमारे शरीर में, या फिर हम कह सकते हैं कि जोड़ जोड़ों में जकड़न और अकड़न की समस्या दूर होती है। शरीर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए बटरफ्लाई बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे, ऐसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हुए ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे लाना है और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को ऐसे नीचे रखना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को लाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। ऐसे ही इसे आप अप डाउन 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसी अभ्यास को आप दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से शरीर के जोड़ जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या दूर होती है। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद इस अभ्यास को दोनों पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे धीरे से नीचे, जमीन को टच नहीं करना है। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों इन अभ्यासों को आप स्थिरता से और आरामदायक स्थिति से ही प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को अपनी छोड़ी को ऐसे घुटनों पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 5 से 6 ब्रीद ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में आपके दोनों पंजे ऐसे आगे को तन कर रहे हैं। दोस्तों इन अभ्यासों को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो स्नायु तंत्र की गड़बड़ी और टूटी हुई हड्डियों से पीड़ित हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसे अपने हाथों को ऐसे ऊपर रखने में दिक्कत हो रही है तो अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से भी ऐसे अपने हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से भी लगा सकते हैं और ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।